आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने हमीरपुर में भारत चीन सीमा पर हुए विवाद में शहीद हुए अंकुश ठाकुर को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष शिव कुमार ने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि जिस प्रकार दिल्ली सरकार शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए देती है, उसी तर्ज पर हिमाचल सरकार भी शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करे। इसके लिए DRO के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं भोरंज ब्लॉक अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि शहीद अंकुश ठाकुर को हमीरपुर बाजार में तिरंगा उठाकर श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने कहा कि जैसे दिल्ली की केजरीवाल सरकार शहीद सैनिकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए प्रदान करती है, वैसे ही सरकार भी शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करे। मेन मुद्दा था जैसे दिल्ली की तर्ज पे 1 करोड़ रुपये जो सम्मान राशि दी जाती है, जो हमारे बच्चा एक शहीद हुआ अंकुश ठाकुर जी, तो इनके श्रद्धांजलि देते हुए हमने फैसला लिया है कि हमारी जो सरकार है वो दिल्ली सरकार की ही तर्ज पे इनको 1 करोड़ राशि। भारतवर्ष में जो है यह कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है और कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री गोपाल राय जी कर रहे हैं। हर राज्य में, हर जिला में इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जैसे अभी 4-5 दिन पहले जो है वो हमारी 20 जवान जो हैं वो गलवान घाटी में शहीद हुए, जो हमीरपुर जिला से भी अंकुश ठाकुर यहाँ से 21 साल का लड़का जो है वो शहीद हुआ, तो लोगों में जो है वो रोष व्याप्त है और सरकार के प्रति भी रोष व्याप्त है, क्योंकि सही प्रकार से जो निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी जिला इकाई हमीरपुर जो है चीन की नीतियों का जो है वो बहिष्कार करती है और उसी के उपलक्ष्य में आज जो है वो जिला हमीरपुर में सब्जी मंडी जो अन्य बाज़ार है उसमें जो है वो हमने जो है यहाँ से स्लोगन और भारत माता का जो झंडा है उसको लेकर के जो है वो हमने जो है वो विनोद कुमार जी जो हमारे शहीद अंकुश ठाकुर जी हैं उनको श्रद्धांजलि जो है वो दी है। और हमने जो है मेमोरेंडम जो है वो उपायुक्त महोदय को देना था, पर वो यहाँ पर मुख्यमंत्री के आने की व्यस्तता के बावजूद वो यहाँ नहीं है, तो हमने मेमोरेंडम जो है वो DR साहब को दे दिया है। और उसमें जो है वो जैसे अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो है दिल्ली में शहीदों के लिए सम्मान राशि जो है वो 1 करोड़ रुपए की है, तो हमारी भी यह मांग है राज्य सरकार से कि जो भी सेना में जो हमारे वीर जवान शहीद हो रहे हैं तो उनके लिए भी जो सम्मान राशि है वो 1 करोड़ रुपए की जाए।